नमस्कार, योग गुरु देवा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो मेरी YouTube चैनल योगा विद देवा के माध्यम से आपके पास लेकर आया हूँ। इस आसन का नाम है भरद्वाज आसन। महर्षि भरद्वाज ऋषि के नाम के अनुसार इस आसन का नाम रखा गया है भरद्वाज आसन। एक काफी शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत, लाजवाब आसन में एक माना जाता है। पहले मैं बताता हूं इस आसन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। इस आसन करने से आदमियों का पैर, मांसपेशियां काफी लचीलापन हो जाता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, आदमियों का हाथ, मांसपेशियां काफी फ्लेक्सिबल बन जाता है और हाथ मांसपेशियां को काफी ताकत मिलता है, पंक्रिया जागृत रहता है, मोटापा के लिए भी काफी लाभदायक है। इस आसन को कैसा सही और आसान तरीके से कर पाएंगे, मैं ये करके दिखाता हूं। आप आराम से देखिए, जो आदमी बिगनर्स हैं, नए हैं, उनको करने में, इस आसन करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके लिए कुछ टेक्निक बताता हूँ। जो बिगनर्स हैं, पहले वो आसन करने से पहले थोड़ा आप गोमुखासन करना जरूरी है। गोमुखासन करने से आदमियों का हाथ काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। पहले मैं गोमुखासन करके दिखाता हूँ कैसे गोमुखासन करते हैं। पहले आप दंडासन पोजीशन में बैठ जाइए, इसको बोलते हैं दंडासन। फिर आप अपनी बाएं पैर को थोड़ा इस पोजीशन में लाइए, फिर अपनी बाएं एड्डी के ऊपर बैठ जाइए और अपनी दाएं पैर को अपनी बाएं पैर के ऊपर इस पोजीशन में लाइए। फिर इस आसन का विधि या नियम है, जिस पैर ऊपर रहेगा पहले उस हाथ पीछे की ओर जाएगा। देखिए, मेरा दाएं पैर ऊपर रहा, मैं अपनी दाएं हाथ को ऊपर रखा, फिर दोनों हाथों को लॉक कीजिए। दोस्तों, ये रहा गोमुखासन। मैं पीछे की ओर करके दिखाता हूँ कैसे लॉक करते हैं। इसे दोनों हाथों को लॉक करना होगा, फिर मल्टी डायमेंशनल योगा करना जो आदमी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ, कपालभाति। ये मल्टी डायमेंशनल योगा है दोस्तों। ये रहा गोमुखासन। गोमुखासन करने से अपने दोनों हाथों काफी लचीलापन आ जाता है, फिर आप आसानी से भरद्वाज आसन कर पाएंगे। देख, फिर आप वापस में दंडासन पोजीशन में आ गया। देखिए, मैं दंडासन पोजीशन में बैठा हूँ, फिर अपनी बाएं पैर को थोड़ा मोड़ के रखिए, इस पोजीशन में लाइए, फिर अपनी दाएं पैर को इस पोजीशन में लाइए, थोड़ा पीछे की ओर ले जाइए, फिर अपनी दाएं पैर को अपनी दाएं हाथ से पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं थोड़ा पीछे की ओर जा रहा हूँ जो आप आसानी से देख पाएंगे कैसे मैं पकड़ रहा हूँ। फिर देखिए कैसे मैं अपनी
दाएं पैर को पकड़ा, फिर अपनी बाएं हाथ को दाएं घुटने के बाहर रखिए इस पोजिशन में, और पीछे की ओर मुड़ के देखिए। दोस्तों ये रहा भरद्वाज आसन, फिर अपने दाएं पैर को थोड़ा मोड़ करके इस पोजीशन में लाइए, फिर दाएं घुटने के ऊपर अपनी बाएं पैर को रखिए, देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूँ। फिर अपनी बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़िए, और पीछे की अपनी दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर रखिए, और पीछे की ओर मुड़ के देखिए। दोस्तों ये रहा भरद्वाज आसन। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।